दोस्तों आज हम जानेंगे मीठा नीम के पौधे की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए और उसमें क्या फर्टिलाइजर डालना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी हमारा मीठा नीम का पौधा एकदम बरगद जैसा घना हो जाए और हरा भरा हो जाए। तो आज मैं आपको ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसे आप अपने मीठा नीम के प्लांट में डालेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका मीठा नीम का पौधा बढ़ने लग जाएगा और हरा भरा होके घना हो जाएगा। दोस्तों गर्मियों का समय चल रहा है इसलिए मीठा नीम की खास केयर करनी पड़ती है क्योंकि यही वो समय है जिसमें मीठा नीम का अच्छे से ग्रोथ होती है और मीठा नीम का पौधा गर्मियों में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है अगर हम उसकी सही से देखभाल करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप मीठा नीम का पौधा लेकर आए नर्सरी से तो आपको सबसे पहले मीठा नीम के पौधे की मिट्टी अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए। आप नर्सरी से मिक्स वाली मिट्टी भी खरीद सकते हो जिसमें काली मिट्टी भूसा गोबर खाद और सुपर पाउडर मिला रहता है। उसमें लगाने से मीठा नीम का पौधा जल्दी से बढ़ने लगता है और हरा भरा भी रहता है और हमारा पौधा भी सूखता नहीं है। इसलिए मिट्टी भी अच्छे तरीके से बनाकर ही अपने मीठा नीम के पौधे को लगाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप गमले में लगाते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आपको छोटे साइज के गमले में मीठा नीम का पौधा लगाना चाहिए, फिर 3 महीने बाद उसे 12 इंची पोट में ट्रांसफर कर देना चाहिए और उसको 6 महीने बाद उसे 14 या फिर 16 इंची पोट में आपको लगाना चाहिए। अचानक आपको बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो ग्रोथ रुक सी जाती है और छोटे गमले से आप लगाएंगे और धीरे धीरे रिपोर्टिंग करेंगे तो मीठा नीम अच्छे से बढ़ पाता है। इसलिए गमले का भी अच्छे से चुनाव करना चाहिए। हम लोग यहाँ नर्सरी में दोस्तों गमले में भी मीठा नीम का पौधा तैयार करते हैं और ऐसे देखिए जमीन में भी मीठा नीम का पौधा तैयार करते हैं। तो जो मैं आपको केयर के बारे में बता रही हूँ वो आप गमले में भी उसी प्रकार करेंगे और जो जमीन में लगा है जमीन में भी उसी प्रकार केयर करना है और फर्टिलाइजर डालना है। इसीलिए दोस्तों ये हमारा मीठा नीम का पौधा एकदम घना और बरगद की तरह हो गया है और इसे हम लोग कस्टमर को भी दिखाते हैं और वो लोग इसमें से तोड़कर भी ले जाते हैं खाने के लिए क्योंकि मीठा नीम का जो पत्ता रहता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी रहता है। आपके पेट में जितनी भी बीमारी है और गैस है पाचन तंत्र ठीक नहीं है उन सभी को ठीक तो करता ही करता है, साथ में आपके बीपी डायबिटीज के रोग को भी ठीक कर देता है और उसको एकदम कंट्रोल करके रखता है। तो आपको मीठा नीम के पत्ते को आपको जितने भी प्रकार के खाना बनाए उसमें 4-5 पत्ते तोड़कर डालना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को एकदम फिट रखता है। और मीठा नीम के पौधे को आपको कभी भी धूप में लगाना चाहिए और मीठा नीम को कभी भी छांव में ना लगाएं क्योंकि छांव में मीठा नीम ग्रो भी नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे गलता ही चला जाएगा। और धूप में लगाएंगे तो मीठा नीम का पौधा तेजी से बढ़ेगा और हरा भरा भी रहेगा। आप फ्लैट में रहते हैं तो आप उसे पॉट में लगाकर धूप में कहीं भी रख दीजिएगा। और जो मीठा नीम रहता है दोस्तों मीठा नीम को घना करने के लिए बता रही हूँ। मीठा नीम के पौधे को घना करने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो ये मीठा नीम की टहनी है और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको आपको ऐसे काट लेना है। ऐसे काटेंगे तो ये जो टहनी है इसमें नया ब्रांच आएगा और ये धीरे धीरे आपका घना हो जाएगा। तो ये देखिए मीठा नीम की मैंने सबकी प्रूनिंग कर रखी थी जिससे ये मेरा मीठा नीम पूरा हरा भरा घना हो गया है। जब तक आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो मीठा नीम का पौधा आपका घना नहीं होगा और एक डंगाल का ही बनकर रह जाएगा।
इसलिए कटिंग झटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मीठा नीम का पौधा गमले में लगा हुआ है तो आपको उसकी कोड़ाई करते ही रहना चाहिए और उसका जंगल भी आपको निकालते रहना चाहिए। जंगल निकालने से पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती है और कोड़ाई करने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो जो भी आपका गमला है दोस्तों, वो गमले के चारों तरफ जरूर करनी है। हम लोग का तो जमीन में है, इसलिए हम लोग जमीन में कोड़ाई करते ही रहते हैं और जंगल निकालते ही रहते हैं। आप इसी प्रकार आपको भी कोड़ाई उड़ाई कर देना है। कोड़ाई करने के बाद जो भी जंगल है दोस्तों, वो जब मीठा नीम की कोड़ाई अच्छे से हम लोग कर देते हैं तो चारों तरफ दोस्तों थोड़ी मेड़ टाइप की आपको बना देना है। थोड़ा मेड़ बना रहेगा तो जो हम खाद डालेंगे तो इसी में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और उसके बाद ये देखिए, ये गोबर के कंडे हैं, वो भी बहुत सूखे वाले, तो इसको आपको क्या करना है, इसको तोड़ लेना है। और तोड़ने के बाद अपने मीठा नीम के पौधे के चारों तरफ आपको डाल देना है। ये दोस्तों पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और मीठा नीम को हरा भरा रखने का काम करता है। तो इस तरह रख देंगे और रखने के बाद इसमें एक फर्टिलाइजर भी आपको डालना है। तो ये देखिए, आपके घर में सरसों होगा, उसको आपको पीस लेना है, हल्का सुखा लेना है, फिर पीस लेना है। और पीसने के बाद ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपको एकदम छोटे चम्मच से आधा चम्मच के हिसाब से डाल देना है। वो भी जड़ से दूर ही डालेंगे, जड़ पर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो आपका पौधा सुखा भी सकता है। इसलिए मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि कोई सा भी फर्टिलाइजर जड़ से दूर ही डाला जाता है ताकि ये पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद आपको एक दो घंटे के बाद इसमें आपको पानी डाल देना है और पानी डालोगे तो ये अच्छे से सूख जाएगा। दोस्तों आपने फर्टिलाइजर डाल दिया है तो इसको दोस्तों आपको पानी डाल देना है और फर्टिलाइजर आपको 5 बजे के बाद ही डालना है और अगली सुबह इसमें अच्छे से पानी डाल देंगे तो ये हमारा पौधा अच्छे से बढ़ भी पाएगा और अच्छे से घना भी हो पाएगा। अगर आपका मीठा नीम का पौधा धूप में है तो दोस्तों आपको दिन में एक बार ही पानी डालना रहता है। अगर मिट्टी सूखे टाइप की दिखे तो आपको दिन में 2 बार पानी डालना चाहिए, लेकिन जब बारिश शुरू हो जाएगा तो आपको एक ही बार पानी डालना रहता है। और ध्यान रहे, जो मीठा नीम की मिट्टी रहती है वो ज्यादा चिपचिपी टाइप की नहीं होनी चाहिए, वो भुरभुरी टाइप की होनी चाहिए, तभी मीठा नीम का पौधा हमारा अच्छे से बढ़ पाता है और अच्छे से घना भी हो पाता है। इसलिए पानी को भी आपको देखकर ही डालना चाहिए। इस फर्टिलाइजर को दोस्तों जल्दी जल्दी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसका एक समय होता है। इस फर्टिलाइजर को अभी गर्मियों के समय में आपको 15 से 20 दिन में एक बार ही अपने मीठा नीम के प्लांट में डालना है और डालने के 2-3 घंटे बाद आपको पानी डाल देना है हल्का हल्का और अगली सुबह अच्छे से पानी डालना है। और जो मीठा नीम का पत्ता दोस्तों फ्रेश नहीं रहता है और सिकुड़ा टाइप का हो जाता है, उसके लिए आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडे को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिलाना है और ऊपर से पूरे पत्तों को स्प्रे कर देना है, जिससे आपका पत्ता एकदम फ्रेश रहेगा और पत्ते में कोई बीमारी भी नहीं आएगी और आप उसे डेली खा सकते हो और डेली यूज कर सकते हो। तो इसी तरह दोस्तों आप मीठा नीम के पौधे को बढ़ाइए और मीठा नीम में यही फर्टिलाइजर डालिए, आपको 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि दीदी हमारा मीठा नीम का पौधा अच्छे से बढ़ रहा है और अच्छे से घना भी हो रहा है। और एक बात और दोस्तों, कभी भी मीठा नीम का पौधा लगाएं तो एक गमले में एक नहीं लगाएं, उसमें 2 से 3 पौधे लगाना चाहिए, तभी वो जल्दी से बढ़ता भी है, घना भी होता है। अगर आप एक पौधा लगाएंगे तो वो जल्दी बढ़ेगा भी नहीं और जल्दी घना भी नहीं होगा। इस तरह आप अपने मीठा नीम के पौधे को घना कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा।
और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा